जेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या बता रहे थे, एक कैरेक्टर के लिए केवल एक जीन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो, कहां पर हो, ऑर्गेनिज्म में, कोई एक ऑर्गेनिज्म में कोई एक कैरेक्टर के लिए केवल एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल हो तो इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसी को जीन एक्शन भी कहेंगे कि एक जीन जो है कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जीन कोई एक कैरेक्टर को दे रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, कोई और जीन जो अलग है वो भी उसी कैरेक्टर को दे अपने रूप में इंडिपेंडेंट, यहां पर क्या कर रहा है मोर देन वन जीन, और कैसे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सब के सब जो जीन है ना वो कैसा काम कर रहा है स्वतंत्र रूप में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ए जो है ना, ए उस कैरेक्टर को दिया तो बी बोला कि हम भी देंगे उसको, ए से मतलब नहीं है ए दिया कि नहीं दिया, ठीक है। जैसे आप सब बच्चे अभी पढ़ रहे हो, अभी जो पढ़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं उसमें ढेर सारे बच्चे हो, ठीक है, तो सारे बच्चे में कोई एक बच्चा बोले कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या बाकी बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा ना ये, लेकिन सब पढ़ाई कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या है, पढ़ाई, प्रतीक अलग करेगा, हाँ सुषमा अलग करेगी, हाँ प्रवीर अलग करेगा, और सब अलग अलग कर रहा है लेकिन पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जीन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह का कैरेक्टर अगर देगा तो इसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका कॉमन एग्जांपल आपको हम बताए थे, कौन था, हाइट था, स्किन का हाइट था, ये कलर था, ठीक है, पैर का नाप था, बुद्धिमत्ता है मनुष्य में, वो सब इसका कॉमन एग्जाम्पल है। अब जीन इंट्रैक्शन क्या है, तो जीन इंट्रैक्शन में क्या होता है, एक जीन से कोई एक एक्शन नहीं आता है बल्कि दो अलग अलग जीन मिलकर क्या करते हैं, एक जीन एक्शन देते हैं, मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसमें इसका मतलब क्या लिखोगे, टू जीन मिलकर एक कैरेक्टर, मिलकर कैरेक्टर देगा। जैसे अब घर में रोटी बनाना है, ठीक है, रोटी बनाना है, अब दो बहने हैं या दो भाई हैं, अब दोनों में हुआ कि भैया रोटी अकेले नहीं बनाएंगे हम, अब अगर कोई एक आदमी जो है रोटी बना ले रहा है तो उसको क्या बोलते, जीन एक्शन बोलते, एक व्यक्ति एक रोटी बना दे रहा था, दूसरा व्यक्ति कुछ और कर लेता, सब्जी बना लेता, तो ये क्या कहलाता, जीन एक्शन कहलाता, और ये कैसा इनहेरिटेंस था, मोनोजेनिक था। लेकिन अगर घर में क्या हो, रोटी बनाना है और अलग अलग गैस पर अलग अलग बहने या अलग अलग माताएं अलग अलग भाई जो है ना वो गैस को क्या करे, लेके बैठ जाए रोटी बनाने के लिए, अब पांच या दस आदमी जो है ना रोटी बना रहा है अपना अपना, वो अपना बना रहा है, वो अपना बना रहा है, वो अपना बना रहा है, कोई मतलब नहीं दूसरे से, तो ये क्या कहलाएगा, रोटी जो बन रहा है वो कैरेक्टर हो गया, और ये कैसा इनहेरिटेंस कराएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कराएगा। लेकिन अगर दो बहन है या दो भाई है या और ज्यादा हो सकता है तीन बहन भाई है, अब उसमें क्या हो गया समस्या, कि एक बोला कि नहीं मिलजुल के करना पड़ेगा, तो दोनों मिलजुल कैसे काम करे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। एक आदमी जो है ना किसी एक को बोला कि ठीक है आप ऐसा करो आटा सान लो, ठीक है, तो एक आटा सान लिया, तो एक सान गया उसका प्रोडक्ट, साना हुआ आटा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा बन क्या करेगी, रोटी बना दी। तो यहां पर देखो दो मिलकर क्या बना दी, रोटी बना दी, तो रोटी क्या हो गया, रोटी बनाना क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन दो अलग अलग लोग किए, अगर एक आटा नहीं सानता तो दूसरा रोटी नहीं बनाता। कई बार घरों में देखना ऐसा होता है, ठीक है, माता पिता जी कहीं गए हैं, अब दो बहन थे, अब वो कहा गया कि आप लोग रोटी वोटी बना लेना, अब रोटी नहीं बना तो माता पिता जी आके पूछते हैं क्या नहीं बना, तो वहां पर बताएंगे कि वो आटा सान भी नहीं कीजिए तो हम रोटी कैसे बनाएंगे, वो आटा सानती तब ना हम रोटी बनाते। तो ये जो आटा सानना हुआ वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, किसका, एक का, एक जीन का प्रोडक्ट हो गया आटा सानना, दूसरा जीन जो है ना आटा से फिर क्या बना दिया, रोटी, तो ये क्या कराएगा, जीन इंट्रैक्शन। हमको लगता है कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जीन एक्शन क्या है और जीन इंट्रैक्शन क्या है। जीन एक्शन एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि जब कोई एक पार्टिकुलर जीन बिना किसी दूसरे जीन के मदद से कोई एक एक्शन कर लेता है, अपने काम को पूरा कर लेता है,
तो इसको कहते हैं जीन एक्शन। लेकिन किसी एक काम को पूरा करने के लिए, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक से ज्यादा जीन के को मिलना पड़ता है आपस में। एक कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा उस प्रोडक्ट को कुछ और बना देगा, तब जाके कैरेक्टर आता है। तो इसको कहते हैं जीन इंट्रैक्शन। कोई दिक्कत? चलिए भैया ये समझा दिए थे पहले, लेकिन फिर से बोल रहे हैं, जब कोई एक जीन या फैक्टर जोड़ा किसी जीव में एक गुण को नियंत्रित करता है, तो इस पूरी क्रिया या घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं? जीन एक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका खासियत क्या है कि यह मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पालन करता है तथा मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो आपका फिनोटिपिक तथा जीनोटिपिक अनुपात है उसको क्या करता है, ये पालन करता है या देता है। ठीक है, अब जीन इंट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा कहें भाई, जीन इंट्रैक्शन क्या है? ये सर्वप्रथम बैटसन और पुनेट के द्वारा स्वीट पी मतलब खेसारी में देखा गया था। कब भाई? 1906 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, एक गुण के लिए दो या अधिक जीन एक्शन मिलकर कार्य करते हैं। समांतर आप समान रूप से अगर देखेंगे तो जी दो जीन एक्शन का ज्यादा उदाहरण मिलता है, दो से अधिक जीन एक्शन का जो उदाहरण है वो कम मिलता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप वो जो आपका मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड अनुपात है, रेशियो है, वो बदल जाता है। तो कौन सा अनुपात बदलता है भाई? फिनोटिपिक अनुपात में बदलाव आता है, जीनोटिपिक अनुपात में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। जीनोटिपिक अनुपात जो है सेम टू सेम रहता है, अनुपात बदलता है कौन भाई? फिनोटिपिक रेशियो बदल जाता है। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलता। इसका उदाहरण के लिए हम आपको लिखवा देते हैं उदाहरण थोड़ा सा। जीन इंट्रैक्शन का ये जो तीन चार उदाहरण है जो दिमाग में क्यों रख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना आएगा? 9:7। केवल आप रेशियो से यहां पर मतलब रखिए, मेडिकल वाले बैच में ये आपको थोड़ा सा इसका इनहेरिटेंस पढ़ना है, किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेड जीन इंट्रैक्शन में कितना? 13:3। डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन में कितना? 15:1। निकालना जो है ना यहाँ पर आपके 12 के लेवल में नहीं है। ठीक है, ये लेवल आपका मेडिकल वाले लेवल में आएगा, और भी है इसमें 3-4-5 और है, लेकिन आपको उतना से मतलब नहीं रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म के जीव के द्वारा होता है, हम फिर से बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस को ठीक से समझ लो। इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, वंशागति का मतलब क्या था? किसी भी जीव के गुणों का उसके बाल बच्चों में स्थानांतरण होना, मतलब बाल बच्चों का अपने पूर्वजों के जैसा नजर आना, इसी घटना को कहते हैं इनहेरिटेंस या वंशागति। ये किसका, इसके किससे हो सकता है? तो दो तरह से हो सकता है, एक तो केंद्रक में जो गुणसूत्र है उस पर जो जीन होता है उसके द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा हो सकता है? साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी कुछ जीन पाया जाता है, उसके द्वारा भी हो सकता है या होता है, कुछ जीन होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये जो इसके द्वारा होगा उसको कहेंगे कौन सा वंशागति, तो उसको बोलेंगे आप साइटोप्लाज्मिक वंशागति। लेकिन जो इसके द्वारा होता है उसको कहते हैं किसके द्वारा? केंद्रक के गुणसूत्र के द्वारा, उसको कहते हैं गुणसूत्रीय वंशागति, वंशागति या क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए, वैसा इनहेरिटेंस जो न्यूक्लियस या केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जीन के द्वारा होगा उसको कहते हैं गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल वंशागति। लेकिन वैसा वंशागति जो कोशिकाग्रंथ के माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में जो जीन पाया जाता है उनके द्वारा अगर होगा तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक वंशागति। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा ये साइटोप्लाज्मिक वंशागति। थोड़ा सा लिख लेंगे गुणसूत्री सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो जीवों में
गुण कैसे पूर्वजों से उनके वंशजों में जाता है इसको एक्सप्लेन किया गया था मिंडल के द्वारा, ये फैक्टर के द्वारा होता है, जो हम चैप्टर शुरू किए थे वहां पर बताए थे। लेकिन उसी फैक्टर को जॉनसन साहब द्वारा जीन नाम दिया गया। अब लोगों के मन में आया जीन रहता कहां है, तो बाद में पता लगा लोगों को कि जीन जो होता है वो कहां रहता है, गुण सूत्र या क्रोमोसोम पर होता है। सटल और बोधेरी ने क्या किया, गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया, उसके अनुसार क्या था कि कोशिका के न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसी पर जीन होते हैं। वो जो जीन होते हैं गुणसूत्र के साथ पूर्वज से वंशज में जाते हैं, और जब वो वंशज में जाते हैं पूर्वज से, तब उनके साथ साथ जीन के साथ साथ गुणसूत्र के साथ साथ जो गुण होते हैं वो भी किसमें चले जाते हैं, वंशज में चले जाते हैं। और चूंकि ये केंद्रक में पाया जाता है, कौन भाई, गुणसूत्र, इसलिए इसको केंद्रीय वंशागति भी करते हैं या केंद्रक के द्वारा। प्लस ये हम लोगों में जो अधिकांश वंशागति होता है, अधिकांश जो गुणों का वाहन होता है वो इसी के द्वारा होता है, किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, जो केंद्रक में पाया जाता है या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के द्वारा। ये जो है ना मेंडल के नियम को फॉलो करता है। मटर में भी जो मेंडल का नियम फॉलो हो रहा था, मतलब मटर में जो मेंडल के नियम का जो पालन हो रहा था या जो अनुपात आ रहा था वो सब के सब इसी के कारण आ रहा था, गुणसूत्रीय सिद्धांत के कारण आ रहा था। लेकिन कोशिका दर में भी कुछ आपके कोशिकांग पाए जाते हैं, बाद में मालूम हुआ। इस बात को जो है ना सटन और बोबेरी के द्वारा नहीं बताया गया था, ये आपको बताया गया था किसके द्वारा, तो आगे जब आए तो बैटसन का काम हुआ, बैटसन के बाद और आगे काम हुआ पुनेट का, तो उस समय क्या पता लगा कि सारे के सारे जो आपके गुण हैं वो आपके न्यूक्लियस के द्वारा तो कंट्रोल होते हैं, लेकिन कुछ एक गुण जो होते हैं वो आपका कोशिका द्रव्य में कुछ जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गॉल्जी बॉडी, जैसे हरित लवक, तो उसमें हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके कुछ जीन पाए जाते हैं उनके द्वारा जो वंशागति होता है उसको कहा गया साइटोप्लाज्मिक वंशागति, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंग है, ऑर्गेनल है। अब साइटोप्लाज्म जो आपका इनहेरिटेंस होता है इस ये कुछ एक गुणों के लिए है, तथा ये मेंडल के नियम और रेशियो को का पालन नहीं करता है, उस पर लागू नहीं होता है। मकई में नर स्टरिलिटी जो है, मकई में नर स्टरिलिटी मतलब नर का जो है ना फर्टिलाइजेशन में शामिल न होना वो इसके द्वारा होता है। पारमिशियम में कप्पा कण का जो वंशागति होता है इसके द्वारा होता है। एक नंबर में भी काम देगा और दो दो तीन तीन नंबर का भी क्वेश्चन में ये काम देगा आपको। फिलहाल इतना ही दिमाग में रखिए। पारमिशियम में, पारमिशियम जानते हो आप लोग, स्लीपर ट्यूल जिसको बोलते थे, ठीक है, एक कोशिकीय रचना है, एक कोशिकीय आपका जीव है, तो उसमें केंद्रक के बगल में पाया जाने वाला एक रचना है ये, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ना है। लग्नता, स मतलब साथ, साथ, अलग्नता रहना, ठीक है, या लिंकेज मतलब साथ साथ रहना। अगर किसी क्रोमोसोम पर, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम, इस पर मौजूद नजदीक में मौजूद जो जीन है, अब ये दोनों जीन यहां पर कितना है, ये भी जीन है और नीचे वाला भी क्या है, जीन है, तो मान लीजिए ए है और बी है। अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ ही रहे या रहना चाहता है तो इस घटना को कहते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है, फिर से बोल देते हैं, किसी गुणसूत्र पर मौजूद दो लगातार गुणसूत्र या नजदीक के सॉरी किसी गुणसूत्र पर मौजूद दो लगातार जीन या नजदीक के जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ बने रहना चाहते हैं,
तो इस घटना को कहते हैं लिंकेज, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर क्या है? अगर एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा टूटकर समजात गुणसूत्र के पर जाकर जुड़ जाए तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच में टुकड़ों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ठीक है। तो पहले लिंकेज फिर से बोल रहे हैं, किसी क्रोमोसोम पर मौजूद, मान लीजिए क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को देख लो, इस पर दो लगातार जो है ना, ये देखो ये आपका मान लेते हैं जहां पर गांठ बोल रहे हैं, यहां पर दो जीन समझ लो। अब ये हमारे माँ पिताजी में भी एक साथ था, हम में भी अगर एक साथ रहे, या किसी और हमारे बाल बच्चों में भी एक ही साथ रहना चाहे, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? लिंकेज। तो किसी गुणसूत्र पर मौजूद लगातार जीनों का या नजदीक मौजूद जीनों का पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ बने रहना क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है, ठीक है। दो नजदीक रहने वाला या एक ही गुणसूत्र पर अगल बगल में रहने वाले जो आपके जीन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन टू जेनरेशन, अगर कंटिन्यू एक साथ ही आपका क्या करते हैं? वंशा गति करते हैं, साथ साथ रहते हैं, नया संयोजन जीन का नहीं बनाते हैं, तो इसको कहते हैं लिंकेज। अब जरा सोचो, नया संयोजन अगर नहीं बनेगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था? जीनों का नया संयोजन बनता था, अर्थात ये मेंडल के नियम को क्या करता है? नहीं मानता है लिंकेज। लिंकेज में क्या है? हम साथ साथ रहेंगे, ठीक है, जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, कई पीढ़ी तक। अगर दो जीव जन कसम खा ले कि हम दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलते हैं। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी अगर लगातार बना रह रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि इसका जो है सो क्या होगा, इससे क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसके चलते जो परिवर्तन होता है वो जो डायहाइब्रिड रेशियो होता है वो आपका फिनोटिपिक 3:1 हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट क्रॉस आता है ना, देखो फिनोटिपिक 3:1 बोल रहे हैं, जीनोटिपिक तो वही आएगा, है ना, नया कॉम्बिनेशन बनी नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? आपका फिनोटिपिक जो रेशियो है ना वो बदल जाएगा, 3:1 हो जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। अब टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो भी आपका 1:2:1 हो जाता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट में, डाई हाइब्रिड रेशियो 3:1 आता है, 1 कहां था? यहां तक तो बता दिए थे कि 3:1 आता है ना। इसमें जीन का जो नया संयोजन जो है ना वो नहीं होगा, और जब जीन का नया संयोजन नहीं होगा तो केवल पूर्वज के लक्षण वाले ही वंशज प्राप्त होंगे, हमको मिले जुले गुण वाले वंशज नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत? अब आपके मन में आएगा कि क्या हुआ? नहीं था, अर्थात ये दोनों जो थे वो क्या थे? मिले जुले थे, मिले जुले गुण वाले, जुले गुण वाले थे, ठीक है। और इसको कहते थे क्या बाबू? रिकॉम्बिनेंट क्लास, RC कहते थे। तभी ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते थे कि पूर्वज को पूरा क्या था? स्वतंत्रता था। इसमें एकमान जनरेशन में जब गैमेट निर्माण होता था तो गैमेट निर्माण के समय किसी भी कारक को किसी भी कारक के साथ वो भेज सकता था, कैपिटल वाला वाई के साथ कैपिटल आ जा सकता था, कैपिटल वाला वाई के साथ स्मॉल आ जा सकता था, स्मॉल वाला वाई के साथ कैपिटल आ जा सकता था, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आ जा सकता था, ये स्वतंत्र था ना।
लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, ये तो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ऐसा आएगा, लेकिन यहां लिंकेज में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर जाता है, इसको काट दिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे ही फेल हुआ ये दोनों नहीं आएगा, तो मिले जुले गुण वाले जो है आपके नहीं आएंगे। ये दोनों जो होता है वो आ जाता है 50% और ये आ जाता है 50%, केवल और केवल पूर्वज वाले गुण ही मिलेंगे। क्यों भैया? देखो कैपिटल वाई किसके साथ रहता है? पूर्वज में किसके साथ था? कैपिटल आर के साथ। स्मॉल वाई किसके साथ था? स्मॉल आर के साथ। कभी भी स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कब जाएगा? जब स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ ये कसम खा ले कि हम लोग दोनों साथ साथ रहेंगे, तो कभी भी कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, तो चार प्रकार का जो गैमिट बन रहा था वो कितना प्रकार का बन जाएगा? दो प्रकार का बन जाएगा। और जब दो प्रकार का बन जाएगा तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलता है, इस पूरे घटना को ही हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज क्या है, समझ में आया? किसी गुणसूत्र पर मौजूद जो आपका क्या है, जीन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर साथ साथ बना रहे तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। अब यहां पर देखिए तो अनुपात क्या आएगा, तो अनुपात आ गया ये दोनों आ रहा है केवल, ठीक है, 50 ये जो है वो आ रहा था, तो ये इसको हम अभी रहने देते हैं, इसको इसलिए हम रहने दे रहे हैं कि अनुपात इसका जब निकालोगे लिंकेज के कारण, तो यहां पर जो आना कितना चाहिए था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो आना था 9:3:3:1 और लिंकेज जब होगा तो आ जाएगा सीधे 3:1। देखो मोनोहाइब्रिड आ जा रहा है, येलो नाम ग्रीन रिंकट, मोनोहाइब्रिड ऐसा बता ना टॉल और ड्वार्फ दो ही गुण मिलता था, तो यहां पर वही आ गए, और इसका जो आपका टेस्ट कॉस आएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसका आप ऐसे अनुपात देखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि अब आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होने के कारण, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां फेल होता है, जब एक वन जनरेशन में क्या होता है गैमिट बनने लगता है, उस समय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर जाता है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फेल होने के कारण जो चार प्रकार का गैमिट बनता था वो सिर्फ दो ही प्रकार का बनेगा, दोनों के दोनों पैरेंटल क्लास वाले रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्लास क्या हो जाएंगे, मिले जुले गुण वाले क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई बोलेगा कि हम स्मॉल आर के साथ जाएंगे ही नहीं, स्मॉल वाई बोलेगा हम कैपिटल आर के साथ जाएंगे ही नहीं, कैपिटल आर बोलेगा कि नहीं हम स्मॉल वाई के साथ नहीं जाएंगे, सब जो है ना कैपिटल कैपिटल के साथ रहना चाह रहा है, स्मॉल स्मॉल के साथ रहना चाह रहा है, तो ये घटना क्या कराएगा? लिंकेज कराएगा। और ये लिंकेज कहां मालूम चलेगा? एक टू पीढ़ी में मालूम चलेगा। ये कहां मालूम होगा? यहां पर एक टू पीढ़ी में मालूम होगा, ठीक है। और क्यों हुआ? क्योंकि एक वन पीढ़ी जो था वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो आपका फेल हो गया, फ्लॉप कर गया, कोई दिक्कत? तो ये लिंकेज मेरे साथ देख लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं, जब वंशज में केवल पूर्वज गुण वाले या लक्षण वाले ही वंशज प्राप्त होंगे तो इसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। मतलब मिले जुले गुण वाले वंशज एक भी नहीं अगर मिले तब इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट लिंकेज। इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया था तो जीन का नया संयोजन नहीं हुआ, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, वंशज समूह में पूर्वज के अलावे मिले जुले लक्षण वाले वंशज भी मिलते हैं, अर्थात वो आपका पूर्वज का पैरेंटल क्लास भी है, रिकॉम्बिनेंट क्लास भी है, लेकिन अंतर क्या हुआ है कि उनका अनुपात जो है वो कम होगा, पीसी ज्यादा होगा, आरसी कम होगा, बराबर नहीं होगा, तो इस घटना को कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये फिगर से आपको समझ में आना चाहिए या आएगा, ऐसा कुछ हो कि किसी टेस्ट क्रॉस, ये कैसा टेस्ट क्रॉस है भाई? डाई हाइब्रिड है ना, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अगर किसी डाई हाइब्रिड, आप लोग जैसे तो मोनो हाइब्रिड क्यों नहीं बता रहे हो, तो मोनो हाइब्रिड में तो एक ही गुण का बात है ना,
एक ही जीन का बात है ना, और ये किसके बीच में होगा, दो अलग अलग जीन के बीच में होगा, है ना। तो दो अलग अलग जीन जो है ना, वही कह ना कि हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, है ना। कब होगा, जब दो अलग अलग होगा, तो ढाई हाइब्रिड में ही लागू होगा। कौन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पर जहां लागू होता था वही वो फेल करेगा। तो लिंकेज जो है जब भी आपको पता चलेगा तो साफ साफ पता किसमें चलेगा, ढाई हाइब्रिड में पता लगेगा, या ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, मतलब ऊपर हाइब्रिड का जो कंडीशन रहेगा उसमें आराम से आपको पता चलेगा। तो खैर यहां पर हम एक प्लांट लिए थे, टॉल राउंड था, F1 प्लांट था, उसको क्रॉस करवाए थे ड्वार्फ पेरिकल के साथ, P1 रिसेसिव प्लांट के साथ। तो ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया या बैक क्रॉस हो गया, पीछे करके देखे थे। जब किए तो चार तरह के पौधे आने चाहिए, टॉल के साथ राउंड आना चाहिए, इसके टॉल के साथ क्या होता है, रिंकल आ जाता, ये आपका क्या होता था, इंडिपेंडेंट होता था। उसके बाद इसके आपका जो है राउंड वो द्वार के साथ आ जाता, या द्वार के साथ क्या होता, रिंकल होता, तभी ना इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट होता। तो यहां पर इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट अगर होता तो इन चारों की मात्रा क्या आती, बराबर बराबर होता या आता। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट क्लास 0% आया, एक भी नहीं आया, और पैरेंटल क्लास ही केवल आया। तो अगर ऐसा घटना घटे तो इसको कहते हैं लिंकेज। यहां पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया, बेचारा उसका काम नहीं चला, वो नहीं कर पाया, वो सजा नहीं पाया। हाँ, जो आपके कैप्टन वाले थे वो कैप्टन वाले के साथ रह गए, स्मॉल वाले के साथ रह गए, जिसके चलते पैरेंटल क्लास ही केवल मिला, रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिला, और इस घटना को कहते हैं लिंकेज। कोई दिक्कत, हाँ, और लिंकेज में भी कौन लिंकेज हो गया, तो कंप्लीट है यार, एक भी नहीं मिला, बंसल में एक भी रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिला, तो इसको एकदम कंप्लीट लिंकेज बोल दो, ठीक है। अब हम दूसरा का विष्णु वन आता है, कैसे, तो अभी हम आपको दिखा दिए कि अगर ऐसा कुछ हमको मिलता, सबका जो अनुपात आता 1:1:1 किसमें, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट हुआ था, मेंडल का नियम लागू हुआ था। लेकिन यहां पर मेंडल का नियम लागू नहीं हुआ और केवल पैरेंटल क्लास मिला, रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, तब इसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। और अगर जो है ना दोनों बराबर बराबर मिले, जितने पैरेंटल क्लास मिले उतने रिकॉम्बिनेंट क्लास मिले, तब इसको बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट लागू हुआ, ठीक है। लिंकेज में क्या दिमाग में रखना है, इनकम्प्लीट लिंकेज में जो है आपका इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट फेल कर दिया, तो फेल होने के कारण क्या हो गया, पैरेंटल क्लास के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी मिला, लेकिन समस्या क्या आई, जितना रिकॉम्बिनेंट क्लास चाहिए था उतना नहीं आया, बल्कि कम आया। तो इस घटना को कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फेल होना, और ये घटना कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज होने का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ मिले जुले गुण वाले वंशज प्राप्त होते हैं। अब इसको जो है हम जो है ना डिटेल से अगला दिन के क्लास में समझ लेंगे। तो आपको आज हम क्या क्या देख लिए, लिंकेज देख लिए, कंप्लीट लिंकेज देख लिए, और वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसको नेक्स्ट डे के क्लास में देखते हैं।